मॉर्निंग ब्यूटिफुल पीपल्स एंड वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग एंड क्या बोल रही थी, आई होप कि आप सब बहुत हेल्दी और बहुत ज़्यादा खुश होंगे। और आज सुबह सुबह काम स्टार्ट हो चुका था, आज दशहरे के दूसरे दिन था और जब से मेरा तबीयत ख़राब हुआ तब से डेली अभी ना थोड़ा सा जूस पी रही हूँ, तो बस ऑरेंज और संतरे का, ऑरेंज और क्या बोल रही हूँ, ऑरेंज और मौसम्बी का, अलग अलग होता है ना दोनों, तो उसका। और नाश्ते में बना था आज हलवा और उपमा, लड्डू की फरमाइश में और कुंदरू की सब्जी, ये दोपहर का लंच है। और था लंच में आलू गोभी, नहीं नहीं पनीर की सब्जी और कुंदरू की सब्जी और परवल और आलू। और ये ना समीर के लिए कपड़ा लेके आए थे तो साइज चेक करा था बालों के, गमले में ये वाला फूल आज खिला था पहले दिन, पहला फ्लावर है इस पौधे का, तो वही देख रही थी, बहुत प्यारा सा था पर्पल कलर में, दीदी वहाँ से अपने वहाँ से लेके आके लगाई थी, तो वही देख रही थी। उसके बाद फिर हम लोग निकल रहे हैं गांव के लिए, क्योंकि आज गांव में दशहरा है तो जाना था। और मैं इसलिए भाग रही थी क्योंकि डुग्गू पीछे पीछे आ रहा था, जल्दी से गेट बंद की बाहर निकल के। और ये सब हम लोग जा रहे हैं क्योंकि बच्चों को भी छोड़ना था, दशहरा भी था, दोनों ही काम था, जाना ही था, तो बस सब बैठ गए हैं आज, क्योंकि आज मेंबर थोड़ा ज़्यादा हो गए थे तो आगे पीछे करके ऐसी, और निकल गए हैं सब गांव के लिए। उसके बाद मेरे रास्ते में हम लोग को निकलना था पैसा, बहुत थोड़ा सा पैसा, तो उसके लिए ATM गए और बाजू में ही ना स्वीट शॉप था, वहाँ से कुछ स्वीट्स लेके गए बच्चों के लिए, वहाँ भी बच्चे लोग आए हुए हैं, बड़े भाभी भैया लोग वहाँ भी आए हुए हैं गाँव में, तो उनके लिए भी लेके गए, यहाँ से यहीं से लेके गए, यहाँ का स्वीट्स अच्छा रहता है, तो यहाँ से हम लोग पैक करवा के लेके गए थे। ये सब देख के समझ में आ जाता ना कि गांव में आ गए, गांव का तालाब और गांव के किनारे ऐसे छोटी छोटी शॉप दुकानें और मंदिर वगैरह, ऐसे किन किन साइड, मतलब हमारे साइड तो मोस्टली ना गांव में तालाब रहता ही है, उसके किनारे में खूब सारे मंदिर ऐसा बना होता है। और जैसे घर आए देखो भाई सब, दोनों भाई बहन का प्यार, ये बड़ी भाभी की बेटी है और लड्डू को इतना इतना प्यार करती, इतना प्यार करके जब तक गई है तब तक किसकी की जा रही थी, की जा रही थी, बहुत एक और मजे आ गया, काफ़ी लोग आए थे, बड़े बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। उसके बाद हम लोग अपना घर आ गए यहाँ, क्योंकि यहाँ पे अनपैक रख, पता है ना कि हम लोग जाते तो पूरा को पॉलीथीन से कवर करके जाते हैं, तो अब रुकना था एक रात, तो फिर सारी चीज़ को रिमूव किए, मतलब पॉलीथीन वगैरह हटाए हैं, थोड़ा सा साफ की, दीदी तो रात में ही झाड़ू कर दी रही और पोछा भी कर दी, मेरे तो हिम्मत ही नहीं था, तो मैं तो थोड़ा सा जाके ऐसे हल्का फुल्का हटाई, बाकी बैठी ही थी, दीदी पूरा क्लीन कर दी रात में ही। तो मैं जाते ही सबसे पहले ये मेरा ये काम रहता है ना कि घर पहुँचो सबसे पहले सारे विंडो खोलो, मतलब वेंटिलेट होगा क्योंकि काफ़ी दिन से बंद रहता ना, तो थोड़ा सा पता अजीब सा लगता है, तो मैं सबसे पहले जाके विंडो ही ओपन करती हूँ ताकि थोड़ा सा वेंटिलेट हो और फ्रेश एयर आए और थोड़ा सा ताजगी घर अंदर लगे। तो मेरा बस यही काम चल रहा था। देखो ये भैया वाला रूम है, भैया पापा का, तो यहाँ पर विंडो ओपन कर रही थी। और ये सब चेयर वगैरह सबको एक के पास, एक के ऊपर एक कर ऐसा रख के जाता है कि खूब सारा चेयर जाता है और जगह छोटा हो जाता, तो फिर ना मैनेज करके ऐसे ही रख के जाना पड़ता है सब कुछ को एक साथ, एक के साथ एक के साथ ऐसे, और पॉलीथीन वगैरह से कवर करके। तो दीदी मैं बस थोड़ा थोड़ा हटा रहे थे क्योंकि रात रुक के जाएंगे, आज रुकेंगे तो, और फिर बच्चे लोग हम लोग आने से क्या कोई ना कोई आता ही रहता है घर में, गांव वाले या फिर कोई और बच्चे लोग ऐसे, तो थोड़ा सा वैसे ही फैले रहे तो अच्छा भी नहीं लगता ना।
गांव में यही मिस करती हूँ आज के दिन। कुछ भी मतलब ऐसे फेस्टिवल होता है ना, तो मेरे को ये चीज़ याद आती है, जलेबी और गरम गरम मिर्ची पकौड़ा। सूखा मिर्ची डाल दे, मेरे को गुलाब जामुन खाने का मन कर रहा था, सॉरी रसगुल्ला खाने का मन था, तो दीदी मिठाई दिए ना वहां से, रसगुल्ला भी लेके आई थी। मजा आ गया मेरे को एक्चुअली में, अभी लास्ट 1 वीक से मन कर रहा था रसगुल्ला खाने का, अब मिल गया आज। थैंक यू। ये देखो ना ये आपका स्लीपर। ये आपका नहीं है, वो तो आपका।